नामा कहे तलोचना, सब कह मद सगल ते उदास। नामा कहे तलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, काम सब सब कह मद, चीत नरंजन नाल सगल ते उदास। मन राम नामा बेदियले, जैसे कनक कला चित मांडियले। सोने वाला गल्ला सब नल करद, पर ध्यान सोने घड़न च रखद, रहिंदा भी सारिया च ध्यान सोने वाल है। आनी ले कागद काटी ले गुडी, आकाश मदे भरमी अले, पंच जना सो बात बतोवा, चीत सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कन कला चित मांडी अले। पतंग दी डोर पकड़ी हाथ च, ते निके निके साथियां नू आवाजा मारदा, न्याणा आजो साडे कोठे दी छत ते मैं गुड्डा चढ़ाण लगा। इस तरह न्याणा करदा ना, सारे महल्ले दे न्याणे इकट्ठे हो गए, एक डोरी पकड़दा दूजे वेखी जांदे। ओ पुछे भी तू बच्चा पतंग उड़ाना पे गुड्डी उड़ाना है, हाथ तेरे च डोर, ते इन्ना न्याणवाद कट्ठा कर ली। वह कहिंदा कट्ठे सारे कीते ने, पर मैं डोरी किसे नहीं देनी, डो मेरा ध्यान डोरी विच है, मेरी पतंग कोई बो ना कर जाए, कट ना जाए। महाराज कहिंदे सारियां च रहिंदा सब तो निर्लेप। आनी ले कागद काटी ले गुडी, आकाश मते भरमी अले, पंच जना सो बात बतोवा, चीत सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले। महाराज कहिंदे ने इस तरह सब दे विच रह ते सब तो निर्लेप। आनी ले कुंभ भराई ले उदक, घड़े आंदे पानी भरिया, हुण तां पानी भरन दी लोड़ ही कोई नहीं पैंदी। सीधी गल है, मूँह तक टूटी अपड़ी हुंदी बंदे दी, किहड़ा पानी भरदा। पहलां बीबियां भरना, रात नूं भी पानी भरना, सवेरे भी पानी भरना, रात वाला सवेरे मुक जाना, सवेरे वाला सारा दिन, ते खूहां ते घड़े चुकने होने। ये उदाहरणां गुरबाणी चों लभणियां पैणियां ने। ओ घड़े तां खूह हवेली च रह गए बस, हुण ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਖੋਈ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਘੜੇ ਵਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਢਾਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਦੋ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਕੇ, ਢਾਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਘੜੇ, ਇੱਕ ਢਾਕੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 20-25 ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿ ਮਦ ਸਗਲ ਅਤੇ ਉਦਾਸ, ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਊਦਕ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ, ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੋ ਗੱਗ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਰਾਖੀ ਅਲੇ ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾਂਕੈ, ਜਿਹਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਅਲੇ, ਪਾਂਚ ਕੋਸ਼ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀ ਅਲੇ ਇੱਕ ਘਰ, ਜਿਹਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਗਊਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚਰਨ ਗਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਆ ਗਾਂ, ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ। ਮੰਦਰ ਏਕ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਏ, ਘਰ ਏ, 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 9 ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾਂਕੈ, ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਅਲੇ, ਪਾਂਚ ਕੋਸ਼ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ, ਪਾਂਚ ਕੋਸ਼ ਦੂਰੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰੈ ਰਾਖੀ ਅਲੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਬੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਛੇ 'ਚ ਧਿਆਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਸਭ ਕਹਿ ਮਦ ਸਗਲ ਅਤੇ ਉਦਾਸ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੋਢੀ ਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕਹਿ ਮਦ ਸਗਲ ਅਤੇ ਉਦਾਸ। ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ? ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ,
चतुर, चतुर दा अर्थ ओ चलाक नहीं जेड़ा लोकां नूं धोखा दे, चतुर स्याणा, सोझी वाला, सुचेत, तत का बेता, बेता दा अर्थ जानकार, जेड़ा तत ज्ञान दा बेता है, तत दा जानकार है। गुरमुखो समदर्शी एक दृष्टिता, समदर्शी जिदियां अखां विच समानता है, सब नूं इको जिहा देखदा है, एक दृष्टिता ते एक नूं ही चार चुफेरे तकदा है। इत्थे थोड़ा जिहा कि सुंदर भी होवे, चतुर भी होवे। अज पूरी दुनिया दा ना 50% तो वध रुपया जिहड़ा चमड़े दी सुंदरता ते लगदा पिया। सब तो महंगा समान चमड़ी दी सुंदरता दा है, पर फिर भी वो सुंदरता कायम नहीं रहिंदी। जेड़े चेड़े चेहरे लिशकदे ने, पुशकदे ने, सेंट शेंट लाए, क्रीमा श्रीमा लाइया, पर 8 घंटिया तो बाद देखोगे पानी लभदे फिरनगे, मूँह धो लीए क्यों, वो कहिंदे ने सारा रंग रोगड़ खराब हो गया, जेड़ा चमकदा पिया सी वो बो मारन लग पिया। ये असल च गुरु ग्रंथ साहिब च आया। मता समझो कि मैं शायद कोई मेक पाकअप बारे कोई पढ़ना वा, महाराज जी ने कहा कर्पूर पोप सुगंधा परस मनुख है देह मलीनंग, अतर लाया, सेंट लाया, मुशक पूर लाए, बड़ा सोहना लगा, लपटा छड़ दे गए। ये अपने बंदे भी अब वाहगुरु कृपा करे न्याणियां नूं बड़ा रोकी दा, कित्थे मुड़दे जे कोई मुड़दे ने। अपने बंदे भी कीर्तन कथा करन वाले भी कई सज्जनां नूं मैं कीर्तन करदिआं लिपस्टिक ला के कीर्तन करदिआं रागी वेखे, मैं वाहगुरु सच्चे पातशाह की दसना चाहते ने। कई बंदे लाली लाणगे नहीं, जेड़ी सीने विच्चों नाम ने सुंदरता देनी हो, बाहर दे किसे भी अतर फलेल ते लोशन विच सुंदरता नहीं। ये ठीक है बाहर असी जाने हाँ कक्कर पैंदा है, गर्मी पैंदी है, सज्जन लोशन लांदे आ, पर ये कहिए मैं सब तो सोहना लगा, महाराज कहिंदे ने जे नाम नहीं ना ते तेरी सुंदरता इस तरह जिवें मुरदे नूं कोई लेपण करदा होवे। नाम बिना जो पहरा खाए, जो कूकर जूठन में पाए, अगली तो की नाम बिना जेता शिंगार, जिन्ना भी नाम तो बिना, नाम बिना जेता ब्योहार, ज्यों मृतक मिथ्या शिंगार, मृतक दा शिंगार। पर हाँ फिर भी जेड़े थोड़ा बाता करदे ने ना वो एक गल चेते रखन, जे प्रसाद सुगंधत तन लावें, जिदी कृपा नाल सुगंधी लाना उन्हूं चेते कर लिया करो, उहदा सिमरन कर लिया कर। खैर मैं अपने प्रकरण विच रहा, ओ सुंदरता कर्पूर पोप सुगंधा परस मनुख है देह मलीणंग, मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अत गर्बेण अग्याननो, इन्हें अतर फुलेला लाइया। पर गुरमुखो महाराज कहिंदे तेरी देही इन्नी गंदी मेज नाल भरी, फुल विचों अतर निकलिया बड़ा सोहना सी, तेरी चमड़ी दी संगत करके ने इन्ना को असर किया, उहदे विचों बदबू आउण लग पई, दुर्गंधी आउण लग पई। महाराज कह रहे ने नाम तो बिना सुंदरता मुरदापन है, पर जिहड़ा नाम जपेगा सोहना बन गया। ते देखो अज ये सिद्ध भी हो गया, जिन्ना कोई ध्यान विच बैठेगा उहना उहदे चेहरे ते लाली आएगी। उहनूं चेहरे दी लाली आ वाशना वाली नहीं, महाराज ने बाणी च कहा कवन बनी री तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली, तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन तुम कर भाग, तेनू सुंदरता कितों आ गई। महाराज कहिंदे ने यह नाम विचों आई। सुन री अखीर ते बचन कह देना, सुन री सखीए हमरी काल, प्रभ आप सवार शिंगार नखार, उस रब तो कुर्बान जावां जिहदे नाम विचों सुंदरता निकलदी है, क्योंकि रब इन्ना सोहना है ते जिहड़ा उहदे नाल जुड़दा उह क्यों नहीं सोहना होवेगा। सत सुहाण सदा मन चाओ, कलंकंग बिना नेक लंकी सरूपे, उहदे तां मत्थे ते दाग ही कोई नहीं, कोई शाही कोई किल नहीं। महाराज कहिंदे ने सुंदर चतुर स्याणा ते तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता सच्चे पातशाह, इन्ने गुण अज तुसी गिण दिते, फिर गिन लईए, खेम शांत रिद्ध नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध,
विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता सच्चे पातशाह 22-23 फल जड़े ने 20 तो उच्चे ये किनों मिलनगे कहिंदे ने जिहड़ा दो कम करेगा ये फल तिस जन कै ये सारे ओहदे ने तिस जन कै दा मतलब ओहदे ने हक उहनां दा किदे जी मुख भने जिहड़ा मुख तो बोले जपे की गुर नानक नाम बचन मन सुने गल बोलन दी ते सुन दी शुरू होई सी अज मुख तो बोले नाम नू ते मन तो सुने गुरु दे बचना नू ते नाम नू जे दो काम इंसान कर लेगा मूँह तो बोले ते मन तो सुनेगा महाराज किन्ने सारे फलों दे कोई नहीं रब ने लुका के रखना ए फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने मन करके सुन लग पईए भाई जदों कन्ना नाल सुनांगे फिर एक दिन मन सुनेगा जिदन मन सुनेगा बाहर जिन्ना मर्जी रौला पई जाए मन फिर भी सुनी जाएगा हर सिमरन बहु मह अकेला सिमरन करन वाला भीड़ विच भी एकांत च जुड़िया रहिंदा ओनू लोड़ नहीं है कोई लभण दी हाँ जदों अभ्यास नहीं उदों बंदा लभदा रौला ना पै टिक जाइए रौला ना पाओ सिमरन करना है ते गुरमुखो जदों अंदर आ गुरु जी की कृपा वापर जाए मन सुन लग पै पाई जाए दुनिया खड़मस रौला पान नाल की बिगड़ जाता है सो अकांती जिस रिदा ठाए जिदा अंदर टिक गया हमेशा एकांत विच है वह तो घर विच ही ग्रह बन समसर हो जाता है बन से सदन सबह कर समझो वह घर नू जंगल बना लैंदा है ते बन जाता है जंगल जंगल च यही है ना भी कोई दिसे ना कोई रौला ना पाए आ रात नू पूरा शहर ही जंगल हुंदा है घर भी जंगल हुंदा है वाहगुरु दया करे जदों सारे सौ जाण उदों चुप करके बंदा उठ पै सारे सुते आप उठा ते जदों सारे सवेरे उठदे होण उदों ये आलस की नींद थोड़ी बाती झूनी लैंदा होवे लोकां दी नज़र च रात सुता ही है पर नहीं घर नू जंगल बना के एकांत विच बैठ के परमात्मा दी बंदगी कर जाए मालक मेहर करे सानू सुनन दी तौफीक बख्शे बाहर नू सुनने आ अंतरमुखी हो के सुन सकीए इन्हां को बेनतियां अज प्रवान करियो बेअंत भुल्लां होईआं ने साध संगत जी कृपा करके बख्श देना करो कृपा और उच्चारण करो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।